हेलो गाइस, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो देखिए, बात करते हैं आज आपकी क्या नज़र वैकेंसीज़ के बारे में। तो मेरे पास में कम से कम 5-6 अपडेट हैं जो कि मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, अगर कोई चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्योंकि हम आपकी रिक्वेस्ट पर ही, क्योंकि आपको पता है जब हमने NTPC के लिए RTI डाली थी तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसके बाद में जो यूपी पुलिस 51,000 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज़ एक RTI हमारी यूपी पुलिस 51,000 की वैकेंसी के बारे में भी डालिए और सरकार से पूछिए कि भाई आपकी वैकेंसी आने वाली है या नहीं आ लिया। ये अपडेट नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अपडेट मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। तो हम 11 फरवरी को आपको RTI डाल चुके हैं, उसमें हमने 3-4 चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहली बात तो वैकेंसीज ही क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि वैकेंसीज कितने आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कैग की रिपोर्ट आई है और कैग की रिपोर्ट के अनुसार अब भी 84,000 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल में वैकेंट है, मतलब खाली पद हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, मतलब जो कांस्टेबल हैं उनके 84,000 प्लस पद खाली हैं। और जो कैग की रिपोर्ट एक और आई थी कि जो आपकी पुलिस की जो व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी कमी है, जब तक आपके ये 84 से 90 हज़ार, कम मिनिमम 90,000 जब तक आपके ये पद नहीं भरे जाते हैं तब तक आपकी पुलिसिंग पर नहीं अच्छी होगी, मतलब पुलिसिंग जो आपकी है राज्य की वो नहीं अच्छी होगी। तो इसी के अनुसार अब कुछ कोई कह रहा है कि 52,000 आएगी, कोई कह रहा है 60,000 आएगी, सो कहने से तो कुछ नहीं जाता। तो आप इधर भ्रमित मत होइए, हमने उसमें RTI में सबसे पहली बात तो यही पूछी है कि वैकेंसीज कितनी आएंगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कि आखिर कब तक, भाई आखिर आप कब तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप इसका जारी करोगे। तीसरी बात जो इसमें पूछी है, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले योगी जी ने एक बयान दिया था, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें कुछ आरक्षण की बात करी गई थी महिलाओं के लिए कि इतने परसेंट रहने वाला है, तो उसकी एक क्लियरिटी मिल जाए RTI के द्वारा कि भाई आप महिलाओं को कितनी सीट देने वाले हो, क्योंकि अगर महिलाओं को ज़्यादा सीट मिलेगी तो लड़कों की कम हो जाएगी, लड़कों को वो मिलेगी तो लड़कियों को भी, तो एक मिनिमम बैलेंस अगर लड़कों को और लड़कियों को पहले ही पता चल जाए कि हमें कितना आरक्षण मिलने वाला है, कितनी हमें, मतलब आरक्षण का मतलब है कि लड़कियों को कितनी सीट मिलने वाली है, मान के चलो 100 सीट हैं और उसमें 30% लड़कियों को मिलेगी, मतलब 30%। तो ये एक पूछा है कि भाई लड़कियों को हम आप कितनी सीट देंगे। उसमें ये और पूछा है कि भाई आप इसमें सिविल के पद कितने होंगे और PSC के पद कितने होंगे, और ये तो हमने पता ही दिया था दूसरे नंबर का कि आपका एग्जाम कब तक होगा। तो जैसे ही इसका RTI का रिप्लाई आता है, आपको पता है मिनिमम 14 दिन और मैक्सिमम 30 दिन लगते हैं, जैसे इसका रिप्लाई आता है मैं अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर विद उसका जो ईमेल वगैरह जो भी आएगा मैं आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा, उसको विद प्रूफ जो उसका रिप्लाई है पूरा का पूरा, और फिर बाद में उसकी वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही RTI का रिप्लाई आता है मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो ही आपकी RTI की बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे मेरे चैनल के नाम से पैसे मांग रहे हैं कि भाई हम RTI लगा रहे हैं तो हमें पैसा चाहिए, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें YouTube काफ़ी पैसा देती है, आप लोगों का प्यार है, आप लोग हमें देखते हो, हमें मिलता है, हम तभी तो करते हैं। सो प्लीज़ अगर कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपका कोई कहे कि कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कुछ भी कहे कि RTI फेल हो रही है, कुछ भी, तो उसकी बात पर आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। हम किसी से कभी भी कोई पैसे नहीं मांगते, अगर कोई आपको पैसा मांगे तो मुझे, मेरा फेसबुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझको मैसेज कर देना कि सर आपके नाम से फलाना आदमी पैसे मांग रहा है, उस पर जो लीगल कार्रवाई होगी वो मैं करूँगा। सो अगर हम सबसे पहली अपडेट देखें तो आपको पता है अब से 3-4 दिन पहले गोरखपुर की रैली में जो CM योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने ये कहा था कि जो आपकी उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती है उसमें 20% आरक्षण रहने वाला है महिलाओं का। इसी वजह से हमने RTI में ये सवाल पूछा था कि भाई आपका कितना आरक्षण आप महिलाओं को दोगे, मतलब कितनी सीट आप महिलाओं को दोगे। तो जो योगी जी के अनुसार है उन्होंने कहा कि हम 20% आरक्षण महिलाओं को देंगे, उन्होंने ये एग्जैक्ट महीना नहीं बताया कि भई हम आपकी वैकेंसीज कब तक देंगे, बट हाँ उन्होंने एक बात अच्छी कही, उन्होंने कहा हम इसी साल देंगे, मतलब जो ये साल चल रही है 2020, हम 2020 में आपकी जो आगामी वैकेंसीज हैं उसमें 100% के 100% हम आपको जो है वैकेंसीज आपका जो नोटिफिकेशन है हम आपको दे देंगे। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों, आपको पता होगा जब DGP आपके रिटायर हुए थे उन्होंने जो कहा था पुलिसिंग के बारे में वो मैं आपको बता चुका हूँ, और जब नए DGP आए थे उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही पूछा था कि भाई आप सभी को पता है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी नहीं है अब भी,
तो उनसे यही पूछा गया कि जो अभी जो वैकेंट खाली है, जो पद हैं, जो कैग की रिपोर्ट आई थी और कैग ने कहा था कि जो आपके 84,000 प्लस पद खाली हैं कॉन्स्टेबल्स के, जब तक वो नहीं भरेंगे तो तब तक कैसे पुलिसिंग आपकी अच्छी होगी। तो डीजीपी का जो बयान था, उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो अभी हमने 41,520 की प्रक्रिया तकरीबन तकरीबन ट्रेनिंग सेंटर्स के बाद भी सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, 49,568 का मेडिकल और जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उस टाइम पर जो उन्होंने कहा था। और इसके तुरंत बाद जैसे ही इनका मेडिकल एडमिट कार्ड आते हैं उसके तुरंत बाद ही हम जो 51,000, उन्होंने अपने मुंह से भाई 51,000 बोला है, तो जो उन्होंने बोला है मैं आपको वो बताऊंगा, तो कि भाई हम 51,000 की वैकेंसीज उसके तुरंत के तुरंत बाद हम आपको दे देंगे, मतलब नोटिफिकेशन वो दे देंगे, जो आयोग है, जो आपका यूपी भर्ती बोर्ड है वो आपका आयोग उसको दे देगा। फिर अगर हम एग्जैक्ट बात करें, जो आपको पता है अभी दिल्ली में आपकी जो भाजपा है वो हारी है, इलेक्शन हारी है, तो इस टाइम सरकार पर काफ़ी दबाव है। इसी वजह से देखो आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी वाले बच्चे लखनऊ में धरना कर रहे हैं, इसी वजह से कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, भाजपा अच्छी पार्टी है, इन्होंने दो भर्ती पहले निकाल दी है, पर हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। जब एक बात बताओ, जब 84,000 पद खाली हैं तो भाई आप जब तक पुलिसिंग अच्छी नहीं करोगे, हाँ हम आपको थैंकफुल कहना चाहते हैं कि आपने पहले 41,520 लिखा दी, फिर 49,568 लिखा दी, तो ये 1,00,000 के करीबन होने जा रही है वैकेंसीज, किसी सरकार ने नहीं काटी, पर हमें आपसे ज़्यादा आशाएं हैं। और आपको ये तीसरी वैकेंसीज है, जो तीसरी वैकेंसी 84,500, 84,000 जितनी भी है, 84,000 या 51,000 जो भी है वो आपको निकाल देनी है। जब ये खाली पद हैं तो हम तो चाहते हैं कि एक ही बार एक ही झटके में आप सारे के सारे पद भर दो, वो अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कुछ बच्चे हैं जो आपके वहाँ पर जाएंगे लखनऊ और भर्ती बोर्ड में अपना एडवर्टाइजमेंट देंगे, जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कोई लखनऊ का आसपास का बच्चा होगा वो वहाँ पर जाके उनके साथ हो सकता है, उनका जो सहयोग है वो उसका कर सकता है। पर मैं फिर कह रहा हूँ पैसे का सहयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को भी, ठीक है ना। आप बेरोज़गार हो खुद, अगर आपकी जेब से 1 रुपया निकलेगा तो वो बिल्कुल उचित नहीं माना जाएगा। अगर हम आगे की बात करें तो आगे तो फिर अपडेट की कुछ है ही नहीं, जो भी थे ये 2-3 बयान थे। और एंड इन द एंड देखो, अगर मैं कहूँ अपने मन से कि भाई आप कहो कि सर वैकेंसीज कब आ रही हैं, तो वैकेंसीज आपकी अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त, इन महीनों के बीच में 100 के 100% आ जाएगी। मैं आपको कोई डेट कंफर्म करके नहीं दे सकता कि भाई इस डेट को आएगी, ठीक है, पर हाँ वैकेंसीज आपकी इस साल के मिड तक 100 के 100% आनी है। देखो हमारा काम जितना था हमने उतना कर दिया, हमारा काम आरटीआई डालने का था, भाई हमने आरटीआई डाल दी, और जैसे भी आरटीआई का रिप्लाई आएगा वो आप सभी के समक्ष होगा, ठीक है, आप सभी के सामने होगा, वो आप देख के बता लोगे। मेरा फेसबुक लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पर तो आप फेसबुक से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर मैं रिप्लाई उसी के करता हूँ किसी का अगर जेन्युइन क्वेश्चन होता है, क्योंकि कोई पूछेगा कि भाई सर यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है, यूपीएसआई की वैकेंसी कब आ रही है, तो उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पानेगा, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आती है मैं अपने चैनल के माध्यम से ही लोगों को बताता हूँ। अगर किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ किसी किताब के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो उसके लिए मैं हमेशा, मेरा है रूल, मैं रिप्लाई करता हूँ, वरना मैं मैसेज देख के छोड़ देता हूँ। सो प्लीज़ मेरे फेसबुक अकाउंट से आप अगर चाहते हो तो जुड़ना चाहते हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। आरटीआई का जैसे भी रिप्लाई आएगा, आरटीआई का जैसे भी रिप्लाई आएगा हम आपको बता देंगे। इस वीडियो को आप जितना चाहे उतना प्लीज़ शेयर कर दे, ताकि लोगों तक ज़रूर इस बात को पहुँच जाए। और हाँ, इन द एंड कुछ बच्चे अब भी प्रॉब्लम में है कि सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, एज रिलैक्सेशन की बड़ी समस्या है, बहुत से बच्चे जूझ रहे हैं इससे। तो देखो भाई 2018 के एडवर्टाइजमेंट पर ही आई थी दोनों वैकेंसी, जो आपकी 41,520 है और जो 49,568 है, ये 2018 के एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही आई थी। तो इस अनुसार मतलब 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई है, जैसे ही आपकी 2020 में वैकेंसी आएगी तो अगर गवर्नमेंट 1 साल का तो पक्का एज रिलैक्सेशन जनरल को देगी, मतलब 2019 के हिसाब से एक साल का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट पक्का आपको देगी। सो प्लीज़ आप किसी की बातों में ना आए,
अगर कुछ भी होता है, मतलब इस रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बड़ी बात है, आप अपनी तैयारी पर लगे रहें। 1 साल का तो आपका मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, 2 साल का मिल जाए तो भाई वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट का निर्णय होगा, गवर्नमेंट जनरल वालों के लिए, ओबीसी एसटीएससी वालों के लिए क्या करती है, क्योंकि ये खाली जनरल जनरल वालों के नहीं होगा। अगर भाई जनरल को मिलेगा, सीधी सी बात है ओबीसी को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटीएससी को भी मिलेगा, तो इसमें सभी बच्चों का फायदा है। ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी को या किसी को भी ये फ़ायदा होगा, ये हर किसी को फ़ायदा होगा। एज रिलैक्सेशन सभी को मिलना चाहिए, सभी को अगर कोई मौका मिलना चाहिए जरूर के जरूर। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और प्लीज़ एक बार ज़रा सा शेयर का बटन दबा दें। आपके जितने भी फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, आप हर जगह इसको शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।